माशाल्लाह तमन्ना ने जना चावल निकाल लिए हैं तो सालन डाल दी है। आज सुबह बहुत तेज बारिश हो रही है मम्मा, तो से बारिश आई है और सारा पंखा वगैरह सारा कुछ गया है। तो व्यूवर्स काफी तेज आ गई है, मैं भी अंदर चलता हूँ। सारी चीजें बिक गई हैं तो परेशानी बन गई है। चार पहिए मैंने ला के ना बरामदे में खड़ी कर दी हैं। ये पंखा भी गीला हो गया है और ये वाली सप्लाई भी, ये देखें सारी गीली हो चुकी है और पंखा भी पता नहीं क्या बनता है, ये चलते हैं अब के नहीं, अल्लाह करे ये खराब ना हो। सप्लाई तो बिल्कुल सारी जो है ना, ये देखे पानी इसके अंदर चला गया है, अब पता नहीं क्या बनता है। एकदम से बारिश आई है, दुपट्टा उड़ा है सर पे तो इतनी देर में जो है ना सारा कुछ भीग गया। जो समीउल्लाह की शर्ट पड़ी हुई थी, जो मियां मिठू के पिंजरे के ऊपर, ये भी गिली हो गई है सारी। ये पकड़े अपना उधर रखे, इसको अब जो है ना मैं यहीं पे तार पे लटका देती हूँ। पौधा हमारा सूख गया, एक सही है, इसको जो है ना बाहर सहन में रखती हूँ निकाल के, बारिश की वजह से अगर सही हो जाएगा तो। वो पीछे को कर दो, पीछे को बस इधर ही रहने दो, इसको बारिश का पानी लगेगा तो हो सकता है ये ठीक हो जाए। वैसे तो ये वाला जो सूख गया है, ये वाला तो नहीं, अब जो है ना हरा होगा तो ये वाला जो है ना हो सकता है चल पड़े। ये भी सूख रहा है, ये देखें, तो अचानक बारिश ने जो है ना बहुत मुश्किल जो है ना बना दिए। वैसे तो अल्लाह की रहमत है, बरसी है शुक्र अल्लाह का लाख लाख बार, तो क्योंकि यहाँ पे जो है ना बारिशें हो ही नहीं रही थी, हमारे गांव में जो है ना बारिश हो ही नहीं रही थी काफी, मतलब के सुना था दूसरे शहरों में गांव में बारिश हो रही थी तो हमारे यहाँ जो है ना बारिश हो ही नहीं रही थी, तो शुक्र अल्लाह का बारिश हो गई है और मेरे झाड़ू भी जो है ना गिले हो गए हैं। फिर जो है ना अच्छे से लगता नहीं और टूट भी जाता है ये ना, ये भी पूरा गिला हो गया। आज जो है ना समी को ट्यूशन पर भी नहीं भेज सकती, ट्यूशन का टाइम भी जो है ना बारिश में निकल गया है समीउल्लाह का, तो बादल भी जो है ना गरजना शुरू हो गए हैं। पहले गरजे नहीं, पता ही नहीं चला, अचानक से बादल आए हैं एकदम से। कल पूरा दिन बादल रहे हैं तो मैंने कहा बारिश, मतलब कि बारिश नहीं आई तो मैंने कहा आज भी नहीं आए शायद, लेकिन आज जो है ना माशाल्लाह सुबह सुबह अल्लाह की रहमत बरस गई है। बारिश तो रुक गई है तो एकदम से इतनी ज्यादा हबस बन गई है ना, तो ये देखें सेहन भी जो है ना गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी, तो अभी जो है ना इसको धोना पड़ेगा सेहन को, सारे सेहन को जो है ना मैं धोऊंगी। अभी मैं नहीं धो रही क्योंकि बारिश जो है ना दोबारा से ना आ जाए, बादल काफी भी ज्यादा बने हुए हैं तो बाद में जो है ना धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं और अभी जो है ना मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, मसाला बनाने लगी हूँ और साथ में जो है ना ये गोभी आई है तो गोभी आलू आज बनाने लगे हैं, तो ये देखें, तो अभी जो है ना गोभी काट लेते हैं और मसाला भी जो है ना साथ बना लेते हैं तो फिर बनाते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो बादल जो है ना सुबह से बने हुए हैं, तो इतना प्यारा आज मौसम बना हुआ है ना सुबह का, बल्कि कल का ही मौसम जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गर्मी जो है ना कम है और अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बादल भी बने। दोपहर को थोड़ी देर जो है ना धूप निकली थी लेकिन फिर भी उसके बाद जो है ना अभी शाम का टाइम है तो अभी जो है ना बादल बन गए हैं। तो मियां मिठू जो है ना इसलिए चीख रहा है चला रहा है कि पंखा जो है ना मैंने बंद किया हुआ है तो ये कह रहा है कि पंखा चलाए। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना मैंने ये देखे गोभी आलू भी बना लिए हैं और साथ में जो है ना सारा मसाला भी बना लिया है, तो अब चलते हैं जाकर जो है ना खाना बनाते हैं। सबसे पहले जो है ना इनको धो लेते हैं, मियां मिठू को बाहर ले चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हाँ तो पहले जो है ना यहाँ से चारपाइयाँ हटा लेती हूँ, सेन में लगा लेती हूँ। तो सुबह जाना एकदम से अचानक बारिश आ गई, पंखे भी गीले हो गए और सप्लाई भी जो है ना गीली हो गई। तो सप्लाई तो दोपहर को जो है ना धूप थोड़ी देर निकली थी तो मैंने धूप पे रखी है, तो वो तो सूख गई है, पता नहीं अब चलती है नहीं चलती। ये तो समी के बाबा चलाएंगे जब, तो फिर ही पता चलेगा। तो पंखा भी पता नहीं अब क्या बनता है पंखे का भी, तो पंखा तो अभी मैं चला के देखती हूँ चलता है या नहीं। तो सेन में लगा लेते हैं चार पहिए। हवा जो है ना बिल्कुल बंद हुई पड़ी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बादल इतने ज्यादा बने हुए हैं लेकिन हवा नहीं चल रही, तो गर्मी जो है ना काफी अभी जो है ना बनी हुई है। मौसम वैसे तो ठीक ही रहता है, पंखे वगैरह से जो है ना अच्छा रहता है, ठंडी हवा पंखों की होती है, गर्म हवा नहीं होती। तो अब जो है ना चला के देखते हैं पंखे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चल पड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, लाख लाख बार पंखा जो है ना सही से चल गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ना सारी चीजें जमा कर ली है, तो आप जो है ना खाना बनाते हैं। गैस भी हमारी जो ना आ चुकी है, तो अब खाना बनाते हैं। आज मैं कढ़ाई में नहीं बना रही, आज जो है ना देचकी में बना रही हूँ। मेरा दिल किया कि आज जो है ना मैं देचकी में खाना बनाऊँ, तो देचकी में बना रही हूँ। अब मम्मा ने तेल डाल के प्याज काट रही है। प्याज जो है ना मैंने ऑयल के बीच में डाल दी है काट के, ये देखें। तो अब जो है ना अदरक लहसुन को कूट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और तमन्ना आज बना रही है आलू गोभी का सालन, माशाल्लाह नई सब्जी आ रही है। तो मैंने मन्ना से कहा कि आज जो है ना आलू गोभी बनाए। ताजी नई सब्जी जो आती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो ये सर्दियों में होती है, तो लेकिन ये है कि ये बेमौसमी है, मौसम की तो नहीं है। ये सब्जी आती है न्यू, तो फिर वो अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए जो है ना आज बना रही हूँ। मैंने कहा बना के देखते हैं बेमौसमी जो है। अच्छा, एक बात और आपसे कहूँ कि आज जो है ना माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं इस कलर में ना। अच्छा जी, कलर जो है ना बहुत अच्छा लगता है आपका। शुक्रिया आपका। तो जब अच्छी एक चीज अच्छी लगे तो फिर तारीफ कर देनी चाहिए। तो माशाल्लाह तमन्ना ने गोभी भी इसमें ऐड कर दी है और ये सब्ज मिर्चे भी काट के जो है ना साबुत तो डाल दिए है। साथ में कौन सी दड़ा मिर्च भी डाली है ना इसमें। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये जो साबुत हरी मिर्ची है ना ये बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने ना काट के डाली है, वैसे डालते हैं तो फिर जो है ना बीच में जो है ना इसके जायका नहीं जाता, किसी भी चीज का जो है ना जायका नहीं बीच में जाता। तो आज मैंने काट के डाली है। और दड़ा मिर्च जो है ना इसका तो जायका कुछ अलग ही होता है खाने में, ये बहुत मजे का लगता है इससे खाना जो है ना। तो अब जो है ना सलाद भी बना लेती हूँ थोड़ा सा। मेरे पास एक खीरा है और ये छोटे छोटे जो है ना प्याज है, तो इनको काट लेती हूँ। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि गोभी किस किस को पसंद है और किस किस के घर में आज गोभी बनी है। तो गैस जो है ना चली गई थी हमारी, तो अब जो है ना तमन्ना सिलेंडर पे खाना बना रही है। ये चावल जो है ना बॉईल किए हैं तमन्ना ने। हाँ जी, तो ये जो है ना मैंने चावल सिलेंडर पे बॉईल कर रही हूँ। चावलों को जो है ना अब दम लगाने लगी हूँ, तो सालन जो है ना हमारा पक चुका है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, गोभी आलू जो है ना हमारे पक चुके हैं माशाल्लाह। तो साथ में जो है ना रोटी नहीं बनाई, चावल बनाए हैं। समीर ना भी जो है ना रोटी नहीं खाता शौक से, और समीर के पापा भी कह रहे थे गर्मी की वजह से जो ना
रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप जो है ना चावल साथ में बॉईल कर लें तो वो जो है ना खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने चावल साथ में बॉईल कर लिए हैं। फिर मैं क्या जी सुन दे हो, चावलों का दम आ गया होना, तो आके चेक कर लो, भूख बहुत ज्यादा लगी है। हाँ जी, चावलों का जो है ना आप दम खोलते हैं और साथ ही जो है ना थाल धो लेते हैं, थाल में जो है ना निकालते हैं। गैस जाने की वजह से जो है ना खाना भी काफी लेट हो गया आज हमारा, तो वीडियो भी जो है ना जल्दी आप तक पहुंचेगी, तो माजरत है। इंतजार की घड़िया हमारी खत्म होती हैं और इसके साथ चावल जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह खिले खिले जो है ना तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं। ये इंतजार में है कि कब हम प्लेट में जाएं और अगले के पेट में जाएं, ऐसी बात है ना। सबको भूख लगी हुई है, मुझे भी लगी हुई है भूख, समीला को, समीला के बाबा को, सबको जो है ना भूख लगी हुई है, तो अभी जल्दी से जो है ना खाना खाते हैं। माशाल्लाह तमन्ना ने जो है ना चावल निकाल लिए हैं, तो सालन डाल दी हैं, तो अभी जो है ना खाना खाते हैं। जिस मेरे बहन भाई ने खाना खाना है वो भी आ सकते हैं हमारे साथ आज, वो भी और चावल खा सकता है। ये देखिए माशाल्लाह जी, तो खाना जो है ना मैं यहाँ पे निकाल के ले आई हूँ और समीउल्लाह ने तब तक जो है ना सैलड खत्म कर दिया है, सारा जो है ना खीरा उसने खा लिया है, तो खाना खाने से पहले ही जो है ना कह रहा था मम्मा भूख लगी हुई है, तो चले अभी हम खाना खाते हैं, तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना खाना है वो भी आ जाए और आके जो है ना हमारे साथ खाना खा सकता है। माशाल्लाह हम लोगों ने खाना भी खा लिया और समी और तमन्ना जो है ना आज ऐसा खाना खाया इन्होंने कि जैसे पहली दफा खाना इनको मिला, तो माशाल्लाह सब कुछ सफा चट करके लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है ना हमने खाना जो है ना पेट भर के खाया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह खाना अच्छा बना हुआ था। तो अभी जो है ना यहाँ से बर्तन हटा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरी मम्मी याद रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लास्ट टाइम जल्दी से पूरा करवा दीजिए।